दोस्तों, कोरोना से हुए लॉकडाउन में एक बात तो साफ हो गई है कि बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो आप पुराने तरीकों से नहीं चल सकते। आपको कुछ नए कदम उठाने होंगे और उसमें से एक कदम है अपनी दुकान के सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी। तो आज हम हमारे प्रोग्राम बिजनेस टिप्स में इसी बात की डिटेल में बात करेंगे। अब आप सोचेंगे कि ऑनलाइन डिलीवरी करने के लिए तो कई सारी एप्स और कंपनियां मार्केट में पहले से ही हैं, पर सच ये है कि अभी भी ग्राहक अपने पुराने दुकानदारों से ही खरीदना चाहते हैं। इसका कारण उनके पुराने अच्छे संबंध भी हैं और साथ में कई ग्राहक उधार पर सामान लेते हैं जो ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां उपलब्ध नहीं करवाती हैं। ऐसे में आपको जरूरी है कि कोरोना जैसे समय में आप अपने पुराने ग्राहकों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी की सुविधा दें और साथ ही ऐसा करके आप कई सारे नए ग्राहक भी जोड़ पाएंगे। अब आते हैं कि इसको करना कैसे है। वैसे तो हम जल्द ही इस काम के लिए एक बेहतरीन ऐप आपको बताएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे केवल व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी करने के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत है। पहली, स्मार्टफोन, दूसरी, डिलीवरी व्हीकल और तीसरी, डिलीवरी पर्सन। अब सबसे पहले आप उन सामानों की लिस्ट बनाएं जो आपके पास उपलब्ध हैं और आप ऑनलाइन डिलीवरी करवा सकते हैं। आप चाहें तो इनकी रेट भी साथ में लिख सकते हैं। फिर अपने ग्राहकों के साथ व्हाट्सएप पर सामानों की लिस्ट शेयर करें और अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप के माध्यम से ही बताएं कि आप इनमें से कोई भी सामान व्हाट्सएप पर ही ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही उस मैसेज में अपनी दुकान की डिटेल्स और नंबर भी डालें ताकि आपके ग्राहक उनके साथियों को भी ये फॉरवर्ड कर सकें। व्हाट्सएप पर ही उनसे लोकेशन मंगवा लें। अब एक डायरी या कंप्यूटर में आप ऑर्डर नोट करना शुरू कर दें। इसके लिए आप चार कॉलम बना लें। पहला, यहाँ ऑर्डर का टाइम लिखें। दूसरा, यहाँ ग्राहक का नाम और मोबाइल नंबर लिखें। तीसरा, यहाँ टोटल ऑर्डर कितने का है वो लिखें। चौथा, यहाँ डिलीवरी पर्सन का नाम लिखें। अगर एक ही डिलीवरी पर्सन है तो इसे छोड़ा भी जा सकता है। पांचवा, यहाँ पेमेंट का स्टेटस लिखें। नकद मिला है तो डिलीवरी पर्सन से कलेक्ट करें और अगर उधार है तो ओके क्रेडिट ऐप में उसे लिख लें ताकि ग्राहक को भी उसकी सूचना SMS से मिल जाए। अब जैसे जैसे ऑर्डर आते जाएं, एरिया के हिसाब से अपनी डिलीवरी पर्सन को भेजकर ऑर्डर डिलीवरी करवाते जाएं और ये शीट भरते जाएं। डेली आपको एंड में पता चल जाएगा कि कितने ऑर्डर हुए हैं और कितनी बिक्री। वैसे तो ये प्रोसेस बहुत ही आसान है और कारगर भी, लेकिन हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा अलग लगे, पर आप बस इस पे लगे रहें और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका बिजनेस एक नई रफ्तार से आगे बढ़ने लगेगा। तो इसी तरह के बिजनेस टिप्स देखते रहने के लिए आप हमारा चैनल ओके क्रेडिट सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाकर सबसे पहले नोटिफिकेशन पाइए। अगले वीडियो तक आप बने रहिए हमारे साथ। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।